Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turabhaiya. Today we are discussing about backup and restore in Busy. बैकअप एंड रिस्टोर बिजी के अंदर कैसे मेंटेन करना है, कैसे आपकी फाइल्स को, या जैसे आपने कोई कंपनी मेंटेन की है उसको आपकी पेन ड्राइव में, आपकी पर्टिकुलर हार्ड डिस्क ड्राइव में कैसे आपको बैकअप रखना है। उसके बाद अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है या फिर आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है या किसी को आपको फाइल सेंड करनी है, अपनी कंपनीज की डिटेल देनी है, तो वो बैकअप लेके उसको रिस्टोर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बैकअप एंड रिस्टोर इन बिजी। सबसे पहले आप अपना बिजी का सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। बिजी का सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कंपनी में आपका बैकअप डाटा। बैकअप डाटा पे जाएंगे तो ये सारी लिस्ट दिखाएगा आपकी कंपनीज की, ठीक है। अब सपोज कीजिए मुझे अपनी GST एडवांस रिसिप्ट की जो कंपनी है इसका कोड है कंपनी COMP0006, तो इसका बैकअप मुझे अपनी पेन ड्राइव में हार्ड डिस्क में चाहिए, ठीक है। अब आपको ये भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपकी कंपनी है और या जो आपने पेन ड्राइव लगाई है कौन सी डिस्क ड्राइव में है, ठीक है। डिस्क ड्राइव मैं आपको चेक करना बता देता हूँ कैसे चेक करते हैं। सपोज़ कीजिए आपने अपनी पेन ड्राइव लगाई है, पेन ड्राइव लगाने के बाद आप अपने माई कंप्यूटर पर चले गए हैं, ठीक है। माई कंप्यूटर पर जाने के बाद आपको इस तरह से ड्राइव्स दिख जाएंगी। सी ड्राइव आपकी विंडोज़ की फाइल सारी इसमें होती हैं, देन सॉफ्टवेयर एक मेरी ड्राइव है, लोकल डिस्क एफ है, लोकल डिस्क जी है। ऐसे ही जब आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो आपकी HIJ कुछ भी आ सकती है, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है कि कौन सी ड्राइव है आपकी। अब सपोज़ कीजिए मुझे एफ ड्राइव में बैकअप चाहिए, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, वापस सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ अपना। यहाँ पर हम बैकअप पर क्लिक करेंगे। बैकअप पे क्लिक करने के बाद उस कंपनी पे क्लिक करेंगे जिस कंपनी का हमें बैकअप चाहिए, GST एडवांस रिसिप्ट का बैकअप चाहिए। देन सेलेक्ट पे गया मैं, इसका यूज़र आईडी जो भी होगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। विदाउट यूज़र नेम और पासवर्ड के आप कंपनीज का बैकअप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इसको ओके करेंगे, ठीक है। स्पेसिफाई ऑफ द पाथ ऑफ बैकअप, बैकअप का पाथ आपको क्या रखना है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी फाइल या जो भी आपने पेन ड्राइव लगाई है वो किस ड्राइव में है, ठीक है। मैंने कहा था कि एफ ड्राइव में रखना है तो एफ ड्राइव पे क्लिक कर लिया मैंने, ओके कर लिया, ये मेरा एफ ड्राइव आ गया। अगर एफ ड्राइव में भी कोई फोल्डर होगा तो उसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद किस फाइनेंशियल ईयर का बैकअप चाहिए वो यहाँ से चूज करेंगे, ठीक है। देन आप इसको ओके कर देंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ द फॉर द बैकअप ऑफ द कंपनी GSTR एडवांस रिसीव फाइनेंशियल इतना एट लोकल एफ डिस्क में आपकी जा रही है। इसको आप जैसे ही ओके करेंगे ये आपका बैकअप लेना शुरू कर देगा, ठीक है। सक्सेसफुली बैकअप डाटा कंपनी GST एडवांस रिसिप्ट फाइनेंशियल इतना लोकेशन एफ। डू यू वांट टू मेक अनदर कॉपी, अगर आपको एक और कॉपी बनानी है तो आप यस करेंगे, नहीं बनानी है तो आप नो कर देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद आप इसको नीचे कर दीजिए, ठीक है। मिनिमाइज हम इसको करेंगे। अब आप जाके चेक करेंगे अपनी एफ ड्राइव में, एफ ड्राइव में आप चेक करेंगे तो आपका बैकअप यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। ये रहा मेरा बैकअप, ठीक है। ये जो दो फाइल्स आपको दिखा रहा है ये डाटा बैकअप्स की हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको रीस्टोर करना है तो रीस्टोर करने का भी सेम प्रोसीजर है। अगर बैकअप जो डाटा आपने लिया है अगर आपकी कंपनी यहाँ से डिलीट हो जाती है, चलिए मैं आपको इसको डिलीट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। ओपन करने के बाद अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। बिना ओपन करे भी आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे डिलीट कंपनी पे जाएंगे, GST एडवांस रिसीप्ट वाली कंपनी सेलेक्ट की, ओके किया, यूज़र नेम पासवर्ड दिया, देन आप ओके करेंगे। इसको पूछेगा कंप्लीट कंपनी या सिंगल फाइनेंशियल ईयर। आप अगर सिंगल फाइनेंशियल ईयर करना चाहते हैं तो सिंगल फाइनेंशियल ईयर कर सकते हैं, कंप्लीट करनी है तो आप कंप्लीट भी कर सकते हैं। सक्सेसफुली डिलीट का मैसेज आ गया है। अब ये जब मैं अपनी अब कंपनी ओपन करने पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे GSTR एडवांस रिसिप्ट की कोई भी एंट्री मुझे नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब सारा टोटल डाटा मेरा लॉस हो गया टोटली, ठीक है। तो इसको अब हम रिकवर कर सकते हैं अगर हमने बैकअप लिया होगा तो, ठीक है। फिर आप जाएंगे रिस्टोर पे, रिस्टोर में वो पॉइंट देंगे जहाँ से आपको बैकअप पिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एफ ड्राइव में आपका डाटा था, देन इसको ओके करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा आएगा बैकअप फॉर द कंपनी GSTR एडवांस रिसीप्ट फाइनेंशियल ईयर 17-18,
टेकन ऑन 19/1/2008 इज फाउंड दैट द लोकेशन एफ. डू यू वांट टू रिस्टोर इट? जैसे आप इसे यस करते हैं, प्रोसीडिंग द रिस्टोर द डाटा ऑफ द कंपनी GSTR एडवांस रिसिप्ट ऑल फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम लोकेशन एफ. इसको आप ओके करेंगे, डाटा रिस्टोर सक्सेसफुली का आपका मैसेज आएगा, इसको आप ओके करेंगे, देन इसको एस्केप कर दीजिए. अब आप जाइए ओपन कंपनी में, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा एडवांस रिसिप्ट आपकी वापस आ गई है. ठीक है, तो इस तरह से आप बैकअप ले सकते हैं, उसको रीस्टोर कर सकते हैं. उसके साथ साथ आप स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर कर सकते हैं. स्प्लिट करना है किसी कंपनी को फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, तो आप स्प्लिट कर सकते हैं. स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ने से. ठीक है, अभी ये एक ही फाइनेंशियल ईयर बता रहा है, तो इसलिए इसको आप तोड़ नहीं सकते. ठीक है, तो जिन जिन कंपनीज के बहुत सारे फाइनेंशियल ईयर्स हो गए हैं उनको आप स्प्लिट कर सकते हैं. ठीक है जी, एंड डिलीट, एंड कंपनी को आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको पीछे दिखाया. ठीक है जी, उसके बाद आपने बैकअप लेना आपने सीखा, रिस्टोर करना सीखा, स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर सीख लिया है, डिलीट कंपनी एंड सिंगल फाइनेंशियल ईयर भी आप कर सकते हैं इजीली बेसिक के अंदर. तो ये था हमारा बैकअप एंड रिस्टोर से रिलेटेड कंसेप्ट बिजी के अंदर. बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियोस. हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही शेयर एंड लाइक करना ना भूलें. हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय.